नमस्कार दोस्तों, हमारा शैडो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी चल रहा है बसंत ऋतु, तो बसंत ऋतु के अवसर पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो ऋतु रहती है, इस ऋतु में ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, और लगभग लगभग जो ठंड का जो मौसम वो अलविदा कहने को है। और ऐसे में अगर आप बसंत ऋतु में कुछ नए पौधे लगाना चाहते हैं और अगर आप एक प्रकृति प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, तो निश्चित तौर पे आप बाग बागवानी करने के भी शौकीन होंगे। और अगर आपको नए नए पौधे लगाने का शौक़ है, नए नए फूल लगाने के शौक़ हैं, तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ शहडोल में। यहाँ पर काफ़ी सारे फूल वगैरह हैं, देख सकते हैं, जहाँ पर आपको नए नए फूल पौधे मिलेंगे। और कौन कौन से फूल किस सीज़न में लगते हैं, कौन से फूल 12 महीने लगते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले मैं आपको दिखलाता हूँ यहाँ पर एक छोटा सा। तो अभी मैं जहाँ पर हूँ देख सकते हैं, ये जेल बिल्डिंग के पहले यहाँ पर काफ़ी सारे फूल पौधे वगैरह रखे हुए हैं, और इन्हें आप अपने घर में भी लगा सकते हैं चाहें तो। और जेल बिल्डिंग के आसपास 3-4 और लोग हैं जो फूल वगैरह जो रखते हैं, गमले वगैरह रखते हैं, जिसे कि आप अपने घर में बगिया में सजा सकते हैं, लगा सकते हैं। और इससे न सिर्फ आपके घर की शोभा बढ़ेगी बल्कि पर्यावरण भी शुद्ध होगा। तो देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे फूल वगैरह हैं यहाँ पे। और इन फूलों को देखकर निश्चित ही आपका मन हर्षित होता होगा, प्रफुल्लित होता होगा, क्योंकि फूल होते ही हैं, प्यारे होते हैं, जिसे देखकर जो व्यक्ति तनाव में है वो अपना तनाव भूल जाता है। काफ़ी अच्छा लगता है फूल पौधों को देखकर। देख सकते हैं यहाँ पे किस्म किस्म के, तरह तरह के, विभिन्न प्रजातियों के सुंदर सुंदर फूल हैं, पुष्प हैं, जिन्हें कि आप अपने घर में लगा सकते हैं, बाड़ी में लगा सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे मग हैं अलग अलग प्रकार के, जिसे कि अगर आपके पास पर्याप्त निश्चित स्थान नहीं है, स्पेस की कमी है, तो आप अपने घर की दीवारों पर, खिड़कियों पर भी इसे लगा सकते हैं इसके माध्यम से। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जो भाई साहब हैं, उनसे समझते हैं कि कौन सा फूल किस मौसम में रहता है या कौन सा ऐसा फूल है जो कि 12 महीने उसमें फूल खिले रहते हैं। तो भैया आप थोड़ा सा बताने का कष्ट करिएगा जी। ये डहलिया फूल है, ये सीजनल फ्लावर है। हाँ हाँ। ये ठंडियों के लिए होते हैं जी जी। फिर इसके कांदे भी रह जाते हैं, इसको अगले सीजन में फिर भी उगाते हैं जी जी। इसको डाल कटिंग करके फिर दोबारा भी बना सकते हैं बारिश के सीजन जी जी जी। ये सीजनल है, लगभग अभी सामने जो भी है ये सीजनल फ्लावर ही है जी जी। क्योंकि अभी ठंडियों के मौसम में यही फूल ही सबसे सुंदर होते हैं, क्योंकि परमानेंट पौधे में इस टाइम पे फूल बहुत ही कम होते हैं, पत्ती झड़ के मौसम आ रहे हैं अभी, तो ये पौधे अभी लगा सकते हैं। मुझे कोई ऐसे कि मतलब दो पुष्प के बारे में बताइए कि आप अपने घर में लगाते हैं तो बहुत ज्यादा उसे धूप की भी जरूरत ना पड़े, ऐसा कोई है क्या अपने? काफी इंडोर प्लांट्स होते हैं। हाँ हाँ। इधर पे है आपका जी जी, काफी पौधे हैं जी जी। ये सब पौधे जो है, इसको जेट प्लांट हम लोग सभी जानते हैं, ये एयर प्यूरिफायर है, ऑक्सीजन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, घर पे लगाए जाते हैं, तो इसको इंडोर पे आप कंटिन्यू रख सकते हैं। ये आपका स्पाइडर ट्री है। हाँ हाँ। इसको भी रख सकते हैं आप जी जी। ये आपका जीजी प्लांट है जी, इसको भी रख सकते हैं। ये सब पौधे इंडोर के लिए ही होते जी हैं जी। काफी सुंदर भी होते हैं जी जी। और एयर प्यूरिफायर है, ऑक्सीजन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इंडोर के लिए इस टाइप की फ्लावर्स भी हल्की सेड पे रख सकते हैं जी जी। जैसे इसका नाम है कलंचू जी, कलंचू। इसको आप हल्की सेड में रख सकते हैं जी। हाँ। ये बिगोनिया है, इनको भी हल्की सेड में रखा जाता है, परमानेंट पौधे हैं जी जी। फिर आपको कलर्स वाले आते हैं जी, पंचसुतिया की वैरायटी होती जी है, उसका पौधे फिर इस टाइप के आप गमले में आप हैंगिंग भी कर सकते हैं बढ़िया। हाँ। इसका नाम है नेस्टेशियम। ओके। इस टाइप की फल सो प्लांट भी आपको है, सुंदर भी, लीव्स में भी कलर रहते हैं जी जी। फ्लावर्स भी बड़े सुंदर से होते हैं। तो फूलों के अलावा के बंगले, सॉरी गमले भी आप रखते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल जी जी। हैंगिंग गमले हैं आजकल जी जी। हाँ हाँ जी जी। तो आप छत में, टेरिस में, गार्डन वगैरह ही बना बिल्कुल बिल्कुल हैंगिंग गमला गमला लगा के जी जी बना सकते हैं। और फ्रूट्स में भी चाहिए आपको इस टाइप का, स्ट्रॉबेरी वगैरह भी हमारे यहाँ आजकल हमारे इधर के मौसम में फल रहे हैं सैडल क्षेत्र में, तो ये सब आप गमले में, हैंगिंग गमले में लगा सकते हैं जी। हाँ, ये स्ट्रॉबेरी है जी जी जी। हाँ, ये आमतौर पे हालांकि बाहर मतलब मध्य प्रदेश से बाहर मैं समझता हूँ मिलता होगा अभी, अभी आजकल इधर के मौसम अच्छा, अच्छे फसल। हाँ,
एक ये भी एक अच्छे चीज है, इसको ब्रह्म कमल कहलाती है। ब्रह्म कमल, हाँ, ये बहुत सुंदर चीज है, आजकल हमारे इधर भी उपलब्ध है जी जी, इसको भी बहुत ही अच्छी चीज है। तो थोड़ा सा एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे इनको जो भी ये सोप वाले प्लांट्स हैं या फूल हैं, तो क्या इनके लिए कोई विशेष मिट्टी की आवश्यकता होती है या यहाँ की मिट्टी? तो काली मिट्टी अच्छा है, अगर भी आप कोई भी मिट्टी यूज कर सकते हैं जी जी, इसमें कुछ चीजें मिलाना पड़ता है, और मिट्टी को हमेशा धूप में सुखाने के बाद ही जी जी इसको यूज करना चाहिए। अच्छा अच्छा, इसमें कुछ गोबर वाली खाद मिला दीजिए लगाते हैं, जैविक कम्पोस्ट आते हैं उसको भी मिला सकते हैं आप, बिल्कुल मिला के फिर तैयार किया जाते हैं मिट्टी जी हाँ, और उसको मिट्टी में मिलाने के बाद आप पौधे लगाइए, अलग से आप खाद डालना पड़ता है आपको घर में, ठीक है। तो जैसे डीएपी हो गया, सुपर फॉस्फेट जी जी, नीम खली हाँ हाँ, और आपको मतलब राई की खली जी, ये सबसे मिक्स करके आधी चम्मच डालना जी हाँ जी हाँ, उसको हर 15 दिन में तो देना चाहिए जी बिल्कुल, पेड़ों को ग्रो कराने। हाँ हाँ हाँ, कई लोग घर में अपना जैविक भी बनाते हैं, जैसे सब्जियों के छिलका से जी जी जी, कई फलों के छिलका से ही बनाते हैं ऑर्गेनिक, तो उसको भी डाल सकते हैं, ठीक है, उसको भी डाल सकते जी जी। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम संतु जाना है। हाँ, संतु जी के द्वारा बहुमूल्य जानकारी दी गई, और निश्चित ही अगर आप भी पर्यावरण प्रेमी हैं, प्रकृति प्रेमी, तो आपको भी फूल वगैरह लगाना चाहिए। इससे न सिर्फ आपके घर की शोभा बढ़ेगी, बल्कि घर के आसपास का वातावरण शुद्ध होगा, हवा शुद्ध होगी, और पर्यावरण में आपकी भी एक भूमिका रहेगी। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि यहाँ पे तरह तरह के पुष्प हैं, फूल हैं, तो मैं इन फूलों और पुष्प के जो पौधे हैं इनके बारे में जितना हो सकता ना बताना चाहता आपको बता दिया। हाँ, रेट मैं नहीं बताऊँ, अगर आपको लेने आना तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, जेल बिल्डिंग के पास में है, और यहाँ पे ना सिर्फ एक ही दुकान, यहाँ पे मैं बताना चाहूँ एक दुकान आप सामने देख सकते हैं वहाँ पर भी है भाई साहब, एक दुकान यहाँ पर भी है, और फिर एक इसी प्रकार एक शॉप और है जो आगे आपको मिलेगा, आपका नर्मदा गैस एजेंसी, उसके आगे भी एक शॉप है जहाँ पे आप फूल प्लांट वगैरह खरीद सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे गमले वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, जिससे कि आप खिड़की वगैरह में टांग सकते हैं, खिड़की में टांग के उस गमले में आप मिट्टी वगैरह लगा के उसमें पौधे विकसित कर सकते हैं। तो अब तक के लिए बस इतना ही, बने रहे हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।